हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द होमवर्क क्वेश्चन। तो दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू एक्स माइनस 1, इसका होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, जैसे कि मैंने हर बार बोला है तुम लोगों को कि अगर कभी भी वेरिएबल किसी और नंबर की तरफ जा रहा है जीरो के अलावा, तो माय फर्स्ट टेंडेंसी इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन करके मैं इसको जीरो की तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिखने लगेंगे तुम्हें। ठीक है ना, क्योंकि जो भी, जैसे मैंने बोला हर बार, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जो लिमिटिंग वेरिएबल है वो कहां जाता है, जीरो की तरफ। ठीक है ना, विदाउट उसके भी हो जाएगा, बट आई विल प्रेफर फर्स्ट आई विल मेक दिस टेंड टुवर्ड जीरो। तो लिखा हमने, मैंने लिखा इसको जीरो लाने के लिए x इज इक्वल टू 1 प्लस t। तो जैसे मैं t इधर हो गया x माइनस 1, तो लिमिट किसमें कन्वर्ट हो गया, नया वेरिएबल t, अब वो कहां जाएगा, जीरो को, अगर x 1 को जाएगा। अब मेरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो x की पावर n मतलब 1 प्लस t की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू x माइनस 1 क्या हो गया, t, और ये हमारा पावर हो गया 1 बाय। ठीक है, अच्छा चलो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम, ये कौन सा फॉर्म है। तो देखो, अब देखो फॉर्म की बात आई तो देखो क्या करें, अगर मान लो ये 1 बाई टी एक मिनट के लिए नहीं है तुम्हारे पास, मैंने बोला देखो जीरो पे ये पावर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो चांसेस ज्यादातर क्या है, 1 raised to infinity होगा। ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं कैसे, अगर ये मैं पावर को 2 मिनट के लिए भूल गया, अगर मैंने बोला दिस इज अ फ्रेश क्वेश्चन फॉर यू, मतलब केवल ब्रैकेट वाला, तो क्या करोगे तुम, इसको बाइनोमियल से लिखोगे क्या, 1 प्लस एन इंटू टी, और फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा एन टी और नीचे बचा एन टी, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू 1 है, पावर की इन्फिनिटी है, तो 1 raised to infinity फॉर्म है ये हमारा। ठीक है, 1 raised to infinity फॉर्म, तो 1 raised to infinity फॉर्म है, तो हमें इसका स्टैंडर्ड पता है। क्या करते हैं, e की पावर में क्या लिखते हैं, fx माइनस 1 इंटू g ऑफ x। तो देखो मैं e की पावर तो नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली पावर वाला पार्ट लिख रहा हूं, fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है, तो हमारा हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0 fx माइनस 1, तो 1 प्लस t की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू t माइनस 1, दिस इज fx माइनस 1 इंटू gx विच इज 1 बाई t। क्लियर है, वैसे तो ये क्या होता है, e की पावर में होता है, मैं e की पावर अभी नहीं लिख रहा हूं, जो भी आंसर आएगा आई राइट इन टर्म इन पावर ऑफ e। ठीक है, चलो अब मैंने इधर क्या किया, एलसीएम लिया, तो लिमिट t इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 हो गया हमारा, अब बाइनोमियल से क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस एन टी। अच्छा, अब मैंने एक और चीज क्या बोली थी कि हमें बाइनोमियल में कहां तक एक्सपेंड करना है, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। तो अभी देखो जब एलसीएम लोगे, देखो अगला स्टेप हमें इधर ही क्लियर कर लेना चाहिए, जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर माइनस एन टी आएगा, तो देखो ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा इस माइनस 1 से, और ये एन टी भी कैंसिल हो जाएगा ये माइनस एन टी से, तो इसका मतलब एक और टर्म लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। तो वो क्या होता है हमारा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2। इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। ठीक है, तो मैं इतना ही लिख रहा हूं डिवाइडेड, और मैंने ये ले लिया एलसीएम। अच्छा, मैंने अभी ये लिखा माइनस 1, और अब एलसीएम लिया, तो माइनस एन टी हो जाएगा, माइनस एन टी होल डिवाइडेड बाय एन टी, और बाहर हमारा 1 बाई टी है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, एन टी स्क्वायर लिख देता हूं। क्लियर है बच्चों, तो देखो 1 से ये 1 कैंसिल, ये एंटी से ये एंटी कैंसिल। अब देखो क्या आ रहा है, टी अगर 0 को जा रहा है, तो देखो ये टी स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर है, वो भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला, और देखो एक ये एन भी कैंसिल हो रहा है हमारा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विथ एन माइनस 1 बाय 2। बट मैंने क्या बोला, दिस इज नॉट माई आंसर, आई हैव टू राइट दिस इन टर्म इन द पावर ऑफ ई, तो आंसर इज e रेस टू पावर। फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स पी ऑफ एन माइनस 1 बाय 2। सो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं है इसमें। हाँ, इससे बाद में जो है दोनों क्वेश्चन वो ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, जिसका नहीं हुआ था पहले इसको कॉपी कर लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे हार्ड वाला आखिरी में लूंगा, उससे इससे टफ, उससे थोड़ा इजी था फर्स्ट वाले से, ये सेकंड वाला ले रहा हूं मैं, x इंटू 1 बाय e माइनस x अपॉन 1 प्लस x होल पावर x और ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ट्राई किया होगा सभी लोगों ने, तो चलो इसका डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो क्या किया,
अगेन इंफिनिटी पे जा रहा है तो क्या प्रेफर करते हैं हम जीरो की तरफ. तो पहला टारगेट इज आई विल टेक दिस वेरिएबल टुवर्ड्स जीरो. तो मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया, x इज इक्वल टू वन बाय टी. क्या किया, x इज इक्वल टू वन बाय टी. तो इससे जो मेरा नया वेरिएबल आया वो किसमें चला गया, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो. एक्स की जगह क्या हो गया वन बाय टी. अब देखने दर वन बाय ई माइनस, अब इस ब्रैकेट को एक काम करते, इस ब्रैकेट को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना, बार बार वही स्टेप लिखना पड़ेगा इधर. तो वन बाय टी अपॉन वन प्लस वन बाय टी, तो कितना आ गया ये वन अपॉन वन प्लस टी, और उसकी पावर एक्स है. तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, वन अपॉन वन प्लस टी इसकी होल पावर एक्स, एक्स इज वन बाय टी. क्लियर हुआ, चलो अब क्या किया हमने, देखो इसको, अब वन बाय टी ब्रैकेट में ये ई की पावर माइनस वन लिखा है, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन प्लस टी की पावर माइनस वन बाय टी. देखो ध्यान से सही लिखा है क्या, वन प्लस टी की पावर डिनोमिनेटर में ना ऊपर ले जाकर नेगेटिव कर दिया, ठीक है. अब इस पार्ट को हम कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल उसके टर्म उससे सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे, ये इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लॉग यूज करेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे. इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं वन बाय टी, फिर मैंने लिखा e की पावर माइनस वन माइनस, फिर इसको मैं क्या लिखूंगा e की पावर में माइनस वन बाय टी लॉग वन प्लस टी. कल बताया था ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो विल टेक हेल्प ऑफ लॉग. अब क्या करूं, लॉग वाला एक्सपेंशन इधर लगाएंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में. तो देखो ये हो गया हमारा वन बाय टी, और इधर बचा e की पावर माइनस वन माइनस e की पावर. अब e की पावर में चल रहा है जो भी चल रहा है, देखना भी माइनस वन बाय टी और e की पावर में ही लिख रहा हूं मैं log ऑफ 1 प्लस टी का एक्सपेंशन. बताया था ये t माइनस टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज. ये जो पावर लिखा है दैट इज इन पावर ऑफ t, जो ये टर्म लिखा है t वाला वो e की पावर में लिखा है, ठीक है. अब इस t को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो मैं ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा रब कर देता हूं, कॉपी करते जाना तुम लोग, ठीक है, साथ साथ. हाँ अब देखो ये हो गया मेरा 1 बाय टी, और इधर बचा e की पावर माइनस वन माइनस e की पावर. अब देखो माइनस वन बाय टी को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस वन, तो माइनस वन, फिर ये माइनस वन बाय टी इंटू माइनस टी स्क्वायर बाय टू, एक t से t कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो t बाय टू आ गया, t बाय टू सॉरी प्लस का t बाय टू प्लस t बाय टू, ठीक है, एक मिनट, प्लस टी बाय टू, फिर माइनस वन बाय टी इंटू दिस नेगेटिव ऑफ टी स्क्वायर बाय थ्री, माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन, दिस विल गो, ठीक है. और ये हो गया मेरा, और मेरा क्या लिमिट वेरिएबल, क्या लिमिटिंग वेरिएबल, टी टाइम्स टू जीरो, ठीक है. अच्छा अब क्या किया हमने, अब देखो e की पावर माइनस वन कॉमन लिया, तो ये हो गया मेरा e की पावर माइनस वन, और नीचे लिखा है t. अब देखो ब्रैकेट में क्या बना, वन माइनस e की पावर में t बाय टू माइनस टी स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन, ये पावर में लिखा है e की पावर में, ठीक है. अच्छा मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो e की पावर, लेट से मैंने ये लिखा e की पावर a माइनस वन, और अगर मेरा ये जीरो को जा रहा है तो मैं इसको कैसे रिप्लेस करता हूं विद द आर्ग्यूमेंट a. तो देखो अभी ये e माइनस वन, तो e की पावर समथिंग माइनस वन नहीं लिखा, वन माइनस लिखा, तो माइनस पहले कॉमन ले लेता हूं, सो आई विल टेक माइनस कॉमन, तो ये हो गया e की पावर माइनस वन अपॉन t, और इधर मना e की पावर t बाय टू माइनस टी स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन माइनस वन, ठीक है. अच्छा अब क्या करें, अब e की पावर समथिंग माइनस वन वेयर समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, और अगर वो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में दी है तो आई कैन रिप्लेस इट विद आर्ग्यूमेंट. तो देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें मेरा केवल एक्सपोनेंट में जो पावर लिखा है e की पावर वो रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वन अपॉन टी, और ये बचेगा टी बाय टू माइनस टी स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन, ठीक है. अच्छा अब डोमिनेटिंग का कंसेप्ट से टी बाय टू इधर है तो टी स्क्वायर बाय थ्री वगैरह ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे सारे, तो वी आर लेफ्ट आउट विद टी बाय टू इंटू दिस, तो ये टी से ए टी भी कैंसिल, तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद ई की पावर माइनस वन माइनस वन बाय टू, तो विच इज कैन इज रिटर्न एज माइनस वन बाय टू ई, ठीक है. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना. बेसिकली मेन पार्ट इसको याद रखना तुम,
वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हम लॉग की हेल्प लेंगे, बाकी कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं था। और ln का हमने एक्सपेंशन यूज किया लॉग ऑफ 1 प्लस x का, और इधर भी हमने स्टैंडर्ड लिमिट यूज की, ठीक है ना, शॉर्टकट यूज किया बेसिकली, ठीक है। चलो अब हम मेन क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मुझे जिन्होंने भी सेंड किया उसमें केवल एक ही बंदे का करेक्ट आया था, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था वो। देखो 1 प्लस x लिमिट x टेंड्स टू 0, आराम आराम से डिस्कशन करेंगे एक स्टेप। 1 प्लस x की पावर 1 बाय एक्स माइनस ई प्लस 1 बाय 2 इंटू ई एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसी कैटेगरी का हमने एक क्वेश्चन किया था, बट उधर क्या था, ये ex by 2 वाला टर्म नहीं था, ठीक है ना, बट इधर है, तो ठीक है, उस फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो पहले तो क्या करें, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम e की पावर की हेल्प से लिखते हैं इसको। सो अगेन आई कैन राइट इट एज e की पावर 1 बाय x ln 1 प्लस x, फिर माइनस e प्लस ex by 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैंने कहा log ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन, चलो मैं यही लिख रहा हूं, ये कितना होगा x माइनस एक्स बाय टू, सॉरी x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 1 बाय एक्स अंदर जाएगा तो क्या बचेगा, ये की पावर में देखो 1 बाय एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 बाय एक्स अंदर जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन, ये सब ये की पावर में लिखा है, ठीक है ना। माइनस ई प्लस ex by 2 whole divided by x square, यहां तक मोस्टली बच्चों ने कर लिया होगा, मैं बता रहा हूं एक और स्टेप कर लिया होगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, e भी कॉमन ले लिया होगा, which is also perfect correct step, e कॉमन लिया तो ये लेफ्ट आउट विद e की पावर माइनस x by 2 प्लस x square by 3 माइनस x cube by 4 and so on, इधर क्या बचेगा, देखो ये मैंने पावर में लिया ना, हाँ ठीक है, माइनस 1 प्लस x by 2, देखो ये जो लिखा है वो पावर में लिखा है, ये की पावर है, ये जो डेड डैश वाला है इसको अलग कलर से लिख देता हूं। एक काम करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, दिस आई विल मेक कर्ली ब्रैकेट, और ये हमारा नॉर्मल ब्रैकेट, ये लिखा है, ठीक है। चलो अब देखो सुनना, अच्छा नीचे एक एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये नीचे एक्स स्क्वायर। तो देखो बहुत से जैसे एक दो बच्चों ने मुझे क्या किया, इसमें इतने पार्ट में लिमिट लगा दी, देखो मैं बता रहा हूं गलत क्या है, उसमें पहले इतने पार्ट में लिमिट लगा दी, तो कैन आई डू दैट थिंग, नहीं, क्यों, बिकॉज अगर इतने पार्ट में लगा रहा हूं तो दिस इज एन एडिशन फॉर्म ऑफ दिस ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म में तो नहीं है, सो ऐसा नहीं कि मैं इसको फिर समथिंग से रिप्लेस कर दूं, गलत हो जाएगा, समझ में आया, वी विल नॉट रिप्लेस दिस विद इट्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, माइनस लेके नहीं, अच्छा वैसे नहीं, ये की पावर समथिंग माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या बोल रहा हूं मैं, इसको आई कैन नॉट रिप्लेस विद आर्ग्यूमेंट, लिख लो भले तुम्हें बात के लिए याद रहेगा, कैन नॉट रिप्लेस इट विद, कैन नॉट रिप्लेस इट विथ माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय फोर एंड सो ऑन, द रीजन इज दिस इज नॉट इन, वो भी लिख लो तुम लोग, दिस इज नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन, वो तो एडिशन फॉर्म में दिया है ना, क्लियर है। अच्छा तो कोई बोलेगा कि सर ठीक है हम सेपरेट तो करके देख लें एक बार, अगर आगे जाके इन्फिनिटी आएगा कुछ तो हम दोबारा इधर आ जाएंगे, लेकिन यहां क्लियरली दिख रहा है वैल्यू सेपरेट, ये x बाय टू है ये x स्क्वायर है, तो x बाय टू डिवाइड बाय x स्क्वायर क्या आएगा 1 बाय x, और x टेंड टू 0 है तो इन्फिनिटी आ रहा है ना दूसरा वाला लिमिट, तो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, जब तक एक फाइनाइट नहीं आ जाए तब तक वी कैन नॉट सेपरेट, ठीक है। चलो तो अब करें, तो करें क्या, तो देखो अब क्या है, अब मेन स्टेप है, मैं इसको ऊपर को पहले रब कर देता हूं, यहां तक मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कर लिया होगा यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखो अब क्या है कि हम एक्सपेंशन तो यूज कर सकते हैं, मैंने बोला ये समथिंग लिखा है, मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो मैंने बोला e की पावर, ये मेरा समथिंग लिखा है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मैं इधर और उधर x की कंडीशन क्या होना चाहिए कि x शुड लाइ टेंड टुवर्ड 0, तो इधर भी ये जो आर्गुमेंट है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो एक तरीके का मेरा ऐसा समझ लो e की पावर y लिखा है, 1 प्लस y प्लस y स्क्वायर बाय 2 लिखना है हमें प्लस y क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, वेयर माय y इज माइनस x बाय 2
प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन। देखो समझ में आया, ठीक है ना। तो इसको मैं आर्ग्यूमेंट मान के अब मैं इसको एक एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहा हूं, स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो। तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, वन प्लस, थोड़ी बार लिख लेते हैं साइड में, वन प्लस इधर क्या होता है, y, y की जगह मेरा ये है तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस x बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय फोर एंड सो ऑन। देखते हैं कहां तक जरूरत पड़ेगी, और वो भी जरूरत कहां तक पड़ेगी, फर्स्ट नॉन कॉन्सल टर्म तक। फिर आपका क्या, प्लस वाई स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, मतलब इसका स्क्वायर, तो मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, बता दूंगा कितना जरूरत है, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। फिर सिमिलरली इसका आएगा क्यू डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको मैं रब कर रहा हूं एक मिनट, ठीक है, तुम लिख लेना इसको इधर। हाँ, अब देखो ये तो मेरा हो गया इतना पार्ट, ये डैश 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 गया, ठीक है। फिर माइनस वन प्लस एक्स बाय टू, क्लियर है यहां तक, एक मिनट, हाँ करेक्ट लिखा है, होल डिवाइडेड बाय माय एक्स स्क्वायर। अब देखना ध्यान से सुनो बच्चों, देखो देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला वन इस माइनस वन से, और ये वाला जो एक्स बाय टू है वो इस माइनस एक्स बाय टू से कैंसिल हो रहा है। तो देखो इस ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है। अच्छा अब ये देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर बाय थ्री किसी से कैंसिल होगा क्या, वील सी देट। तो उसके लिए देखो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, चलो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहा हूं, देखना ये वाला जो इसका स्क्वायर जब मैं लिखूंगा, व्हेन यू विल पुट स्क्वायर ऑफ दिस, देखो मैं इसको अलग से निकाल के बताता हूं, माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय फोर, इसका स्क्वायर लिखा है ये वाला ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो इसमें टर्म कैंसिल कौन कौन से आएंगे, कितने डिग्री के आएंगे और उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो देख रहे हैं हम। तो देखो व्हेन यू विल एक्सपैंड, ठीक है, तो डैश डैश भी है वो ही बताऊंगा मैं। पहले तो क्या किया, एक बार x कॉमन ले लिया इसमें से, तो वो बाहर क्या बन के आएगा, x स्क्वायर। तो दिस इज समथिंग लाइक x स्क्वायर इनटू माइनस वन बाय टू प्लस x बाय थ्री माइनस x स्क्वायर बाय फोर, ठीक है ना। और चलो डैश डैश भी लगा देते हैं, देखना परफेक्ट सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी पावर है, हाँ स्क्वायर है। ये जो ब्रैकेट लिखा है वो उसको ऐसे लिखा और इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या आएगा, तो आंसर मिलेगा कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। द रीजन इज, या तो यहीं से समझ लो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। चले ये नहीं भी लिखोगे तो भी इससे भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो देखो तुम्हें दिख रहा है कि इसमें सबसे लीस्ट डिग्री कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर जब इसका स्क्वायर होगा, और हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी, जब इसका स्क्वायर होगा, विच इज एक्स की पावर सिक्स। तो दिस इज अ, ये जो पॉलिनोमियल है आएगा हमारा, अच्छा सॉरी मैंने हाईएस्ट वाला ये नहीं बोलूंगा बिकॉज इज द डेड डैश है, सॉरी ये डेड डैश है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मिनिमम डिग्री इसकी टू आएगी, और वो कब आएगी, जब पूरा का पूरा स्क्वायर जो है वो एक्स बाय टू पे चला जाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ होगा, ये हो गया मान लो एक्स माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फिर एक्स क्यूब इंटू समथिंग आएगा, प्लस एक्स की पावर फोर इंटू समथिंग आएगा, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे। दैट यू कैन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला इसको स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा टर्म, सबसे लीस्ट डिग्री टर्म यही वाला होगा, क्लियर है, विच इज ऑफ डिग्री टू। इसके बाद तो ये क्यू फोर वगैरह आएंगे, मतलब टू ए टू टेकन टू एट ए टाइम टेकन, ठीक है ना, वो हम पढ़ते ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ टर्म टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। तो इस वाले से क्या कंक्लूजन निकला तुम्हारा, जब मैं इधर रखूंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय फोर आ रहा है इधर, और डिवाइड बाय टू भी है। तो ओवरऑल इस पार्ट का देखना, मैं लिख रहा हूं इसमें जो लीस्ट डिग्री टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर, और उसका कोफिशियंट आ रहा है मेरा इधर से फोर और इधर से टू, तो एट, वन बाय एट, ये समझ लो बस इतना ही मेन। यही एक टर्म था जो बहुत से बच्चों ने गलत लिखा है, बहुतों ने बच्चों ने क्या किया, इसके ये वाले टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए, यहां तक आंसर दिया है वन बाय थ्री करके, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल वन बाय थ्री, नहीं ये वाला टर्म भी आ रहा है एक्स स्क्वायर का, ये वाला जो टर्म है ना वन प्लस समथिंग ये भी एक्स स्क्वायर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, इसके बाद जरूर एक्स क्यूब वगैरह आएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों वो भी क्यों नहीं पड़ रही, बिकॉज एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है इससे। इफ बाय चांस सुनना, अगर ये एक्स स्क्वायर बाय थ्री और ये कैंसिल हो जाते हैं, फिर और कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये क्वेश्चन, फिर हमें क्यूब वगैरह टर्म देखना पड़ता, और क्यूब में तो क्या होगा, ये वाला टर्म भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एक्स क्यूब भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस वाले टर्म के कारण। अभी तो क्या स्क्वायर स्क्वायर टर्म खत्म नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म इज ऑफ डिग्री टू, तो मुझे इस पे जंप नहीं करना पड़ेगा। द रीजन इज
इसका क्यूब जो है इसमें जो लीस्ट डिग्री आएगा x का दैट विल बी क्यूब, बिकॉज मैं इसका क्यूब लूंगा तो लीस्ट डिग्री कब आएगा जब पूरा का पूरा पावर इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये लीस्ट डिग्री टर्म है, तो x क्यूब आएगा इसमें लीस्ट डिग्री टर्म। मैंने बोला इसमें जो टर्म आएगा लीस्ट डिग्री वो x क्यूब आएगा, तो उससे मुझे मतलब ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड क्या हो गया x स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस टर्म दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो, ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट लिख लो, मैं उस क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हालांकि उसमें मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो इसको, देखना क्या बोला। तो अब एक्स स्क्वायर बाय थ्री, देखो क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाय एट प्लस अब एक्स क्यूब वाले टर्म लिख लो माइनस एक्स क्यूब बाय फोर, और इधर से कुछ तो आएगा प्लस एक्स क्यूब इंटू समथिंग आएगा अल्फा प्लस एक्स की पावर फोर इंटू बीटा एंड सो ऑन, मैंने अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट मान ली, और नीचे लिखा एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो ये सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्यूब वाले कोई मतलब ही नहीं इनसे हमें, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन बाय थ्री प्लस वन बाय एट, और ये सब किसमें चल रहा है हमारा, आई थिंक हमारा क्वेश्चन किसमें था, एक मिनट होल्ड ऑन, ये हमारा ई की पावर में चल रहा है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन में हमारा वन रेस टू इंफिनिटी था ना, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हमारा स्टार्ट जो किया था हमने क्वेश्चन दैट वॉज वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, बाहर हमारा ई ऑलरेडी था, ठीक है ना, एक हमने ई कॉमन लिया था ना, तो हमारा क्या आंसर हो गया, ई एक बाहर था हमारा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, दैट आई हैव नॉट रिटर्न, तो फाइनल आंसर इज 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 8 कितना हो गया 11, ई बाय और एलसीएम कितना 24 ही आ गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया है, ये वाला टर्म नहीं लिया था, तो उनका आंसर क्या आया 1 बाय 3 आया, ई बाय 3 मतलब एक्चुअल आंसर इज 11 ई बाय 24, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट कब होता, देखो अब कॉम्प्लिकेट बनाना है मान लो मुझे एक मिनट के लिए, तो देखना मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा सा, चलो एक काम करो तुम उसका भी आंसर निकालना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन था उसमें देखो देखो इससे क्या होगा ना, तुम्हें खुद फील आएगी कि देखो क्वेश्चन भी कैसे जनरेट कर सकते हैं हम। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का नेट कोफिशिएंट कितना आया मेरे को, एक्स 11x² / 24। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर साइड में माइनस, देखो जो भी क्वेश्चन तुम्हें, चलो ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो तुम्हें क्या करना है, इधर देखो ध्यान से, मैंने बोला 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2 माइनस 11x² / 24 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। अब ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, द रीजन इज अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म मिला के इससे कैंसिल हो जाएंगे, अब थोड़ा सा टास्क तुम्हारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट इस ब्रैकेट में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों का x³ का कोफिशिएंट लगेगा, ठीक है। आई होप अब एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन लिया है इसका, इसलिए भी लिया है बिकॉज काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन था ये अभी तक का। चलो ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इससे काफी लोगों की और भी क्लियरिटी आ गई होगी एक्सपेंशन से रिलेटेड, ठीक है ना। कभी भी हम एक्सपेंड करते हैं तो वी शुड सी कि आगे के जो टर्म है वो कुछ लोअर डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो फिर उनका उनको भी हमें लेके फिर उनका लोअर डिग्री टर्म आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, लिख लो इसको, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, इन शॉर्ट एल एच रूल, विल से एल एच आर, एल एच रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलेंगे, एल एच रूल बोलेंगे, ठीक है ना, और बहुत सी बुकों में इसमें एल ऑपिटल भी बोलते हैं, एच साइलेंट हो जाता है, एल ऑपिटल, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लेता हूं मैं इसका। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड ए, अगर एक्स ए को जा रहा है, कोई भी नंबर है वो, एंड इफ बोथ एफ एक्स कॉमा जी एक्स approaches zero or both approaches infinity then
देन लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. अच्छा सॉरी इधर लिमिट भी लगाना पड़ेगा. लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उसने बोला कि अगर x किसी वेरिएबल को जा रहा है, लेट्स से 0 2 व्हाटएवर, हां बट ये है कि fx और gx या तो दोनों 0 को जाना चाहिए या दोनों इंफिनिटी को जाना चाहिए, तभी हम हमारा ये रूल लगेगा. क्या लिखा उसने, एंड इफ बोथ fx एंड gx अप्रोचेस 0 और बोथ अप्रोचेस इंफिनिटी, या तो दोनों 0 की तरफ अप्रोच करें या दोनों इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करें, देन अगर ये दिया है तो ये बेसिकली वो कौन सा फॉर्म हो गया, ये 0/0 और ∞/∞. इनी दो फॉर्म के लिए ये मेथड काम आएगा हमारे, और बहुत शॉर्टकट मेथड है. मतलब इसके बाद देखोगे तुम कि तुम्हारा वो एक नजरिया ही बदल जाएगा लिमिट को सॉल्व करने का. मतलब हमेशा तुम सोचोगे कि 0/0 ∞/∞ मिल जाए. ठीक है ना, अभी देखना अभी ये टॉपिक एंड होते हुए. तो इसने बोला कि ये चीज इसके बराबर होगी, और ये चीज क्या लिखी है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. देखो इधर डिवीजन रूल नहीं लगाया डिफरेंशिएशन का. डिवीजन रूल तो क्या होता है, डिविजन रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एफ डैश इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन जी स्क्वायर. ये होता है डिविजन रूल, डेरिवेटिव ऑफ दिस बाय दिस. बट इधर मैंने क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. लिमिट एक्सटेंड्स हुए, ये चीज और ये चीज बराबर होगी. इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, बट दैट मतलब जेई के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी. ठीक है ना, हायर मैथमेटिक्स में है वो कि ऐसा क्यों हुआ. क्लियर है, चलो तो पहले स्टेटमेंट कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं. ठीक है, और हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो मैं इसको रब कर देता हूं. ठीक ना, अब इससे जिस ये सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी हमारी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखना क्या लिख रहा है हम. एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो हमें पता है वन होता है. अब हम एलएच रूल लगा लेते हैं. तो एलएच रूल ने क्या बोला कि पहले ये देखो कि 0/0 फॉर्म है या नहीं, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. तो हमने देखा एक्स जीरो डाला तो ये भी जीरो जा रहा है, ये भी जीरो जा रहा है. इसका मतलब हम एलएच रूल लगा सकते हैं. पहली बात तो लगाते कैसे हैं, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन, और क्या लगना है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो. अब देखो x 0 जा रहा है तो क्या इंडिटरमिनेंसी हट गई, हाँ हट गई. ये क्या है हमारा 1, cos 0 is 1, तो 1 upon 1 is 1. क्लियर हुआ बच्चों. चलो जैसे और भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे देख लेते हैं. लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस cos x upon x square. सुनना, तो पहले देखते हैं कौन सा फॉर्म है. तो 0 रखा तो 0/0 का फॉर्म है, तो एल एल हॉस्पिटल लगाएंगे. एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, बट एक ऑलरेडी माइनस दिया है और 1 का तो 0 होता ही है, तो ये हो गया sin x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. अच्छा मैं इधर लिमिट और लगा देता हूं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ये हो गया sin x अपॉन 2x. अब देखो अब क्या हुआ हमारा, दोबारा ये 0/0 में आ गया, तो दोबारा LHC रूल लगा दिया. मतलब वी कैन अप्लाई मल्टीपल टाइम्स, बट हां ये है कि हर बार जब भी LHC रूल लगाएंगे तो उससे पहले हम ये देख लेंगे कि वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं है. नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बट अगेन क्या हो रहा है, लकीली ये दोबारा 0/0 बन रहा है, तो हम दोबारा LHC रूल लगा देते हैं इसमें. तो अगेन अप्लाइंग LHC रूल तो क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, sin x का डेरिवेटिव इज cos x और 2x का डेरिवेटिव 2. अब क्या इंडिटरमिनेंसी है, नहीं अब खत्म हो गई. अब x को 0 रखोगे तो क्या आया, हाफ, और यही तो होता है हमारा 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हाफ होता है. ठीक है ना, चलो जैसे और स्टैंडर्ड देख लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, तो 0/0 फॉर्म है, तो क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव 1. अब क्या इंडिटरमिनेंसी है, क्या देखिए एक बार, 0 रखा तो sec 0 इज 1 upon cos 0 which is 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1, इंडिटरमिनेंसी हट गई, आंसर इज 1. क्लियर है, चलो और चलो एक इनवर्स के भी देख लेते हैं एक दो. तो पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके. मैंने बोला इनवर्स के भी देख लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो उसके लिए तुम्हें डेरिवेटिव आना चाहिए उसके. तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इधर दो चार डेरिवेटिव लिख देता हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. वैसे बहुतों को पता भी होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे इधर से इधर तुम जा सकते हो विदाउट नोइंग दिस, क्योंकि हमें पता है डी बाई डी एक्स, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस कॉस इनवर्स को लिख रहा हूं मैं, और डी बाई डी एक्स पाई बाय टू कितना होगा जीरो, माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ये ऊपर वाला है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये नया फॉर्मूला नहीं, इसी से ड्राइव है, अगर तुम्हें वो फॉर्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं फंक्शन में, ठीक है ना। तो इतना तो अभी जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं फॉर्मूले लिखवाते जाऊंगा, और वैसे भी कोई चिंता की बात नहीं है हमारा, इसके बाद जैसे लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर जो हमारा चैप्टर आएगा दैट इज डिफरेंशिएशन, तो उसमें तो हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, तो चिंता की बात नहीं है अगर कोई को लगे कि नहीं मेरा डिफरेंशिएशन वीक है, बट इतना मेरे हिसाब से फिजिक्स में पढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत तो उतना ही काम आएगा अभी, और अगर कहीं लगेगा कि नहीं पता है किसी चीज का डेरिवेटिव, वैसे एक दो एग्जांपल लूंगा मैं जो शायद तुम लोगों को शायद नहीं पता हो उसका डेरिवेटिव, बट उसका डेरिवेटिव एक्सप्लेन करूंगा मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, जैसे अभी स्टैंडर्ड लिमिट था, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो कौन सा फॉर्म है जीरो बाय जीरो, साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो का है, तो हम एलएच रूल लगा के क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उधर लिखा है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव वन, अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या हो रहा है वन, तो आंसर इज वन, और ये हमने पढ़ा भी है। इसी प्रकार हम उसका भी लिख सकते हैं tan inverse x का, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan inverse x upon x, तो अगेन 0 by 0 फॉर्म है, LH रूल लगाया, tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, तो 1 upon 1 plus x square, और x का डेरिवेटिव is 1, तो अब x टेंड्स टू 0 पे, this is what limit x is approaching towards 0, क्या हो गया 1, तो देख रहे हो सारे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस एल हॉस्पिटल रूल से प्रूफ होते जा रहे हैं, वैसे इनको हम और भी तरीके से कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना। चलो अब और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, तो पहले इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, अब देखता हाँ, अब जैसे मान लो हमने फैक्टराइजेशन में कुछ क्वेश्चन देखे थे, वो देखते हैं। जैसे मैंने बोला लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन, मैंने लिखा इधर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, देखो तो कौन सा फॉर्म है ये हमारा, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो हम इसमें पहले कैसे करते थे, क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ हमारे लिमिट में कि वन रखने पे ये चीज जीरो हो रही है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर वन होगा, तो हम ऊपर वाले को क्या लिखते हैं एक्स माइनस वन, फिर इसकी मदद से और इसकी मदद से हम दूसरा फैक्टर लिख सकते हैं, इधर एक्स स्क्वायर चाहिए तो दिस शुड बी एक्स, और इधर टू चाहिए तो इधर माइनस वन है तो इधर क्या होना चाहिए माइनस टू, ऐसे फैक्टराइज करना देखा था हमने डिवाइडेड बाय, फिर सिमिलरली इसको तो इसका रूट भी ये x = 1 रखने पे ये 0 हो रही है तो डेफिनेटली इसका एक रूट 1 होगा, तो आई कैन राइट इट एज x माइनस 1। दूसरा फैक्टर लिखने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस, x माइनस 1 दिया है तो x स्क्वायर चाहिए तो इधर x होगा, इधर इधर 3 चाहिए, इधर ऑलरेडी माइनस 1 है तो इट शुड बी माइनस 3, दिस इज माय लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो इंडिटरमिनेंस किस लिए आ रही थी, इस फैक्टर के कारण, तो ये कैंसिल हो गया, इंडिटरमिनेंस गायब हो गई, फाइनल आंसर क्या मिला हमें x टेंड्स टू 1 पे 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 इज माइनस 2 तो विच इज 1 बाय 2। तो देखो बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत से मतलब है, अभी देखना एलएच रूल से चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में। अब देखो मेथड टू, एलएच रूल का फायदा देखना, और अभी इधर तो फायदा नहीं भी देखेगा, अभी मैं डिग्री बढ़ाऊंगा देखना, तब तुम्हें देखेगा हाँ सर बहुत ज्यादा ही फायदा है। देखो अब मैंने लिखा सिंस इट इज 0 बाय 0 फॉर्म तो भी हम एलएच रूल लगा सकते हैं, तो एलएच रूल से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3x का माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x ओवर माइनस 4 और लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। अब देख लेते हैं क्या इंडिटरमिनेंसी है क्या दोबारा, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 और 2 माइनस 4 इज माइनस 2 तो इंडिटरमिनेंस खत्म हो गई, तो डायरेक्टली आंसर आ गया, क्या आया 2 माइनस 3 माइनस 1 और डिवाइड 2 माइनस 4 माइनस 2 विच इज हाफ। तो बताओ खुद सोचो कौन सा बेटर अप्रोच है, ऑफकोर्स एलएच रूल, कुछ फैक्टराइज नहीं करना पड़ा हमें केवल, और डिफरेंशिएशन तो हमें पॉलिनोमियल का तो सभी को आता होगा ऑलमोस्ट, x की पावर n का डेरिवेटिव, ठीक है ना, d बाय dx ऑफ x की पावर n इज
एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। केवल इतनी सी चीज यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लो और एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और दोनों मेथड करना इधर और फिर उधर लिखना। एल एच रूल से हमारा काफी फास्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, डिग्री बढ़ा रहा हूं, नहीं तो क्या करो तुम, तुमने जब उधर मैंने जो एग्जांपल लिए थे फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना, जब वो फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्टिंग में पढ़ाया था हमने, दूसरी क्लास में था शायद, पहली दूसरी क्लास में, तो उस वक्त जो किए थे क्वेश्चन उसको तुम एल एच रूल से करना दोबारा, ठीक है, योर टारगेट इज, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे मैं एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर, चलो अच्छा वाला डिग्री लेते हैं, एक्स की पावर सेवन प्लस एक्स की पावर फाइव माइनस टू अपॉन एक्स की पावर 18, चलो ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस वन, चलो ये लिया मैंने, ठीक है, और मैंने लिया लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स वन। तो सोचो अब इसको तुम फैक्टराइजिंग से कर सकते हो क्या? कर तो सकते हैं बट प्रैक्टिकली बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि देख रहा है, देखो ऊपर वाला भी जीरो हो रहा है वन पे, नीचे वाला भी टर्म जीरो हो रहा है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो डेफिनेटली हम कर तो सकते हैं फैक्टराइजेशन से। इसका मतलब क्या है, ऊपर भी एक एक्स माइनस वन का फैक्टर होगा, नीचे भी होगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि फैक्टर लिखना थोड़ा टफ होता है। हालांकि मैंने उस टाइम तो मैं थोड़ा शॉर्टकट भी डिस्कस किया था, ठीक है ना, हाउ टू फैक्टराइज दिस, बट फिर भी अब तुम एल हॉस्पिटल देखो, एल हॉस्पिटल से चुटकियों में आंसर आएगा, कैसे, डेरिवेटिव कर दो, तो एक्स की पावर सेवन का डेरिवेटिव क्या होगा, सेवन एक्स की पावर सिक्स और फाइव एक्स की पावर प्लस फाइव एक्स की पावर फोर अपॉन, इधर हो गया 18 एक्स की पावर 17 माइनस 2x। अब x टेंस टू 1 पे क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बची है क्या? नहीं, खत्म, यही हमारा क्वेश्चन खत्म। 7 प्लस 5 12 अपॉन 18 माइनस 2 16 व्हिच इज 3/4। तो देखो कितना झटके में आंसर आ गया। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, कभी भी 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिखाई दे तो एकदम दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रोसेस आना चाहिए एलएच रूल। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% वर्क करेगा, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है एलएच रूल फेल भी हो जाए, ठीक है ना, पर बहुत कम रेयर केसेस होंगे, वो हम देखेंगे आगे जाके। बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर 0 बाय 0 और इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है तो एलएच रूल ही प्रेफर करना, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। चलो तो पहले इसको कॉपी कर लो, अब और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब देखना, मैंने लिया लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी ln x by x, अब इसका डिस्कशन और भी करेंगे हम थोड़ा शॉर्ट टर्म, अभी के लिए क्या करें, इंफिनिटी रखा तो ln इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो गया और x इंफिनिटी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो क्या करें lh रूल लगा देते हैं। तो यू विल व्हेन यू विल पुट lh रूल, तो देखो इधर क्या आएगा, ln x का डेरिवेटिव 1 / x और 1 / और x का डेरिवेटिव 1, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अब क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं है, ये तो 0 है, 0 / 1 व्हिच इज नथिंग बट 0, 1 / x लिखा है ना, वो तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में 0 है, तो सोचो कितना आसान हो गया, क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक दो बुक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मैंने बोला चलो एक इनवर्स का लेते हैं, टेन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, एक बार तुम लोग ट्राई करो इसको, अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या करें इसको, तो देखो एक तरीका है इसका, वैसे एक्सपेंशन इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक इट इज गिवन, बट जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि एक्सपेंशन हम नहीं करेंगे इन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स, बिकॉज ज्यादा भी चीजें याद करना कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो हम उसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, अब देखो इधर काम आएगा एल हॉस्पिटल। तो देखो अब दिख रहा है ये लिमिट, और ऑफ कोर्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, पूरा कर लेना क्वेश्चन, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म क्लियरली दिख रहा है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने एल एच रूल लगाया तो मेरा आंसर ये आया। फिर अब हम देखेंगे फॉर्म कौन सी बनी हमारी, अगर दोबारा जीरो बाय जीरो की बनेगी तो फिर दोबारा एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ठीक है, अगर और बीच में अगर लगेगा कि नहीं हम एल हॉस्पिटल लगे कोई और मेथड करें, एल हॉस्पिटल कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो हम कोई और मेथड लगा देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एक बार तुमने एलएच रूल से क्वेश्चन स्टार्ट किया फिर हर बार जो भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है तुम उसको एलएच रूल से ही क्लियर करो, नहीं, इन बिटवीन हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मतलब एलएच रूल, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड लिमिट्स, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन, कोई भी लिमिट लगा सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, मल्टीपल टाइम्स किसी भी एक क्वेश्चन में,
ठीक है ना। तो जैसे अभी तो मैंने LH रोल लगाया, अब देखो अगर x जीरो डालूंगा तो ये क्या आ रहा है, दोबारा जीरो बाय जीरो की फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब बहुतों का फिर होगा कि सर दोबारा LH रोल लगा देते हैं। तो देखो LH रोल तो लगा देते, दिक्कत कोई नहीं है, बट दिक्कत है, मतलब दिक्कत कोई नहीं से मेरा मतलब है कि ये इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना तो और एक्सपोनेंट बढ़ेगा इसका। एक बार ट्राई, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ जाएगा, एक बार खुद से ट्राई करना, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग ट्राई करना, एक बार इसमें एलहॉस्पिटल लगाना। तो इधर तो पावर कम होगा, 3x आ जाएगा, फिर क्या होगा दोबारा 0 बाय 0 की बनेगी, फिर दोबारा LH लगाओगे तो इधर 6x बना, फिर वो क्या बनेगा 6, फिर कांस्टेंट आ जाएगा नीचे, उस स्टेप में आ जाएगा, मतलब दो इन ओवरऑल 3 बार एलहॉस्पिटल लगेगा इधर। ठीक है ना, एक बार तुम लोग करना इसको एल हॉस्पिटल से, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये मेरा, अब ये मेरे लिए अब सेपरेट क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसको भूल गया, वो क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है। अब मैंने क्या बोला कि एक बार हमने एल एच रूल लगा दिया तो जरूरी नहीं कि अब हम एल एच रूल से कंप्लीट करें, अब लग रहा है दोबारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म में तो हम कोई और मेथड लगा देते हैं एज पर अवर कंफर्ट। मान लो हमें लग रहा है कि हाँ ये तो यार काफी दिखा दिखाया है क्वेश्चन, इसको तो हमने प्रीवियसली उस मेथड से किया था, मुझे याद है, तो हम उस मेथड से करेंगे। क्लियर, तो अब देखो, अब मैंने इसको लिखा, अब मैं यूज कर रहा हूं बाइनोमियल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ होल डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर है, चलो करते हैं इसका एक्सपेंशन लिखिए, तो 1 प्लस एन एक्स, तो प्लस की जगह माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही पता है ये वाला एक्सपेंशन कल तुमने बताया था बाइनोमियल का, याद है, चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा दोबारा। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का क्या होता है, 1 माइनस सॉरी हाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, बस एक्स की जगह क्या है इधर एक्स स्क्वायर है ना, तो इस वाले में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, दिस इज एन आइडेंटिटी ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन। कहां तक लिखूंगा वो देखते हैं, जहां तक फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म माइनस, फिर ये वाला, तो इसमें प्रॉपर बाइनोम लगा लेते, इसका स्टैंडर्ड तो याद रखने को नहीं बोला मैंने, पावर हाफ है तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है माइनस हाफ, माइनस हाफ एन इंटू एक्स क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एन एक्स। तो देखो अब मैं इसकी टर्म इसलिए नहीं लिख रहा हूं, चमक गया कि वो एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होने वाला ऊपर से, क्योंकि नहीं तो वैसे मैं लिखता आगे की टर्म, बट आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज ये देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 है और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, तो यहां तक सफिशियंट है लिखना, तो ये भी हमारा फालतू का टर्म्स है, इनका कोई जरूरत नहीं है, ये 1 जरूर कैंसिल हो रहा है इसलिए तो हमने एक्स स्क्वायर का लिखा। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और उधर हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 होल डिवाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारा माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 और नीचे 3 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, यू आर लेफ्ट आउट विद माइनस 1 बाय 2। तो देखा आपने इससे क्या सीखने मिला इस क्वेश्चन से, चलो ये पूछा मैंने मान लो तुम्हें, तो हमें इससे ये सीखने मिला कि एल हॉस्पिटल हमने लगा दिया एक बार, फिर बीच में जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनी हमने उसमें एक्सपेंशन लगा दिया। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देते, तो कहने का मतलब वी कैन स्विच बिटवीन एल हॉस्पिटल टू स्टैंडर्ड लिमिट्स टू एक्सपेंशन, किसी भी ऑर्डर में स्विच कर सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में हम 4-5 मेथड लगा सकते हैं। ठीक है ना, बट एल हॉस्पिटल लगाते वक्त दिमाग में रखना है कि इट शुड बी ऑफ 0 बाय 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एज अ नोट भी हम लिख लेंगे इसको अभी, थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद वी विल राइट सम नोट ऑन दैट। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो एक और, मैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 टेन एक्स अपॉन sec x, हाँ तो क्या करें पहले देख लेते कौन सी फॉर्म है, तो tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी और cos पाई बाय 2 इज ऑल्सो इंफिनिटी, cos पाई बाय 2 इज 1 मिनट, हाँ cos पाई बाय 2 इज 0 तो उसका ऑपोजिट इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, इसका मतलब आई कैन अप्लाई LH रूल, तो लगाते हैं इधर, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और sec x का क्या होता है sec x tan x, अगेन जैसे मैंने बोला अगर नहीं आप नहीं भी याद है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी के लिए याद रख लिया ठीक है ना कि sec x का होता है sec x tan x, तो ये sec x एक sec x कैंसिल, तो ये लेफ्ट आउट विद 1 अपॉन sec x मतलब 1 अपॉन cos x और tan x मतलब sin x अपॉन cos x, तो ये cos x कैंसिल हो गया, तो ये लेफ्ट आउट विद 1 अपॉन sin x, x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म बचा क्या, नहीं दिस इज सिंपली 1, तो आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे कुछ हम कंक्लूड करेंगे
देखो क्वेश्चन पहले लिख लो और पहले खुद ट्राई करो इसको, ठीक है ना? तो तुम्हें देख समझ में आएगा कि कहां दिक्कत हो रही है। e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है? और पहले देखो कौन सा फॉर्म है। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज जीरो, और जीरो बाय जीरो की फॉर्म है। तो जीरो बाय जीरो है तो ठीक है, हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि इससे हम कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। मैंने बोला कि ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, लगाया चलो। तो e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो पहले e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा? टू बाय एक्स क्यूब। कैसे आएगा? जैसे मैंने, चलो साइड में लिख लेता हूं, माइनस, मैंने बोला माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स। सो दिस इज नथिंग बट डी बाय डी एक्स ऑफ, माइनस भाग ले लिया एक्स की पावर माइनस टू, तो माइनस ऑफ, और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या बताया था? एन, एन आगे आता है तो माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसको माइनस वन करोगे तो माइनस टू माइनस वन, सो दिस इज टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना? जिसको नहीं आता वो लिख सकता है इसको साइड में, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग लिखना, ये हो गया इतना अपॉन, अब x का डेरिवेटिव विच इज 1, तो इससे हमारा क्या निकला? 2 इंटू ई की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू, क्लियर है? तो चलो अब देखते हैं इसमें मेरे को क्या लगाना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाना है। तो देखा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, तो अगेन ये तो 0 बाय 0 की बन गई। अब क्या करूं, अब इससे एक बार और लगा देते हैं उसके बाद कंक्लूड करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, दोबारा ये 0 बाय 0 की बन गई, दोबारा हमने एल हॉस्पिटल लगाया, तो 2 इंटू अब e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर ना, हाँ, तो 2 बाय एक्स क्यूब, सॉरी पहले तो चेन रूल से e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का क्या बताया? 2 बाय एक्स क्यूब, और ये कितना बना? 3 एक्स स्क्वायर। तो देखो अब तुम्हें कुछ ही समझ में आई होगी, ये क्या लिखा है? 4 इंटू e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5। तो इंडिटरमिनेंसी खत्म होगी लग रहा है तुम्हें? नहीं होगी। देखो इधर डिनोमिनेटर में x था, इधर x क्यूब आ गया, ठीक है, कांस्टेंट वगैरह कुछ उससे मतलब नहीं है, नीचे x की पावर 5 आ गया, तो यू कैन सी कि बढ़ता ही जा रहा है उल्टा कम होने के चलते। हमें चाहिए कि कांस्टेंट आ जाता तो चलो हमारा सॉल्व हो जाता, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि हमने डिफरेंशिएशन गलत किया है कहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो एल हॉस्पिटल इधर फेल हो गया, एल हॉस्पिटल इधर फेल हो गया, बट इसका तर्क है। तर्क क्या है कि अगर मान लो ऐसा कभी इस टाइप का सिनेरियो हो रहा है कि व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग अगेन एंड अगेन द टर्म इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग, अगर मान लो कॉम्प्लिकेट होती जा रही है टर्म, मतलब और बल्कि होती जा रही है, तो क्या करो? उल्टा सोचो, उल्टा फॉर्म जनरेट करो। मतलब ये 0 बाय 0 दिया है तो ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और फिर एलएच रूल लगाओ तो शायद सॉल्व हो जाए, मोस्ट ऑफ द चांसेस सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 0 बाय 0 है, ट्राई टू एक्सप्रेस दिस इन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, या वाइस वर्सा, अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है तो एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ 0 बाय 0 फॉर्म। वो कैसे करेंगे? देखो मैं देखो इधर लिख रहा हूं कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, e की पावर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर को नीचे लेके गया तो वो गया e की पावर वन बाय एक्स स्क्वायर, और x को ऊपर लेके गया तो कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है, 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मेरा ये कौन सा फॉर्म हो गया? नाउ दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया है, तुम लोगों को ही मार्क करना है इसको। अब लगाओ एलएच रूल, अब देखना तुम्हें चुटकियों में आंसर आ जाएगा। अब चलो कर ही लेते हैं, 1 बाय x का डेरिवेटिव इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, एलएच रूल लगा सकता हूं, तो माइनस 1 बाय x स्क्वायर। अब e की पावर 1 बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो e की पावर 1 बाय x स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय x क्यूब। तो देखो अब लकीली क्या हो गया, ये x क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये x क्यूब ऊपर चला गया तो क्या बचेगा? माइनस, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो देखना मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं x अपॉन 2 इंटू e की पावर 1 बाय x स्क्वायर। अब देखो जरा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नहीं है, ये तो न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये तो जीरो हो गया ना, दिस इज नॉट ए इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आंसर क्या मिला? जीरो। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसको भी हम नोट फॉर्म में लिखेंगे एक बार कि अगर एल हॉस्पिटल लगाते वक्त हमारी टर्म कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, ठीक है ना? सो वी विल थिंक, एक बार हम ट्राई करेंगे इसको उल्टा करके, मतलब जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना 0 बाय 0 उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर वाइस वर्सा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एल हॉस्पिटल लगा के देखेंगे, जैसे इधर वर्क कर रहा है। आई होप मैं जो सिखाना चाह रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से वो तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? चलो
अब आते हैं अगले पार्ट पे। देखो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलएच रूल के ऊपर ही है, एलएच रूल से उसका प्रूफ देखेंगे हम, छोटी सी चीज है। देखो मैंने लिखा एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में, पहले तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंपॉर्टेंट बताऊंगा इसको क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा x की पावर 2 अपॉन e की पावर x, लेट से ये दिया था, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करने वाले हैं अभी हम, बहुत ही ज्यादा। एट प्रेजेंट दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, एलएच रूल लगाया तो एक बार एलएच रूल लगाओगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन e की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर ये क्या बना इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, फिर दोबारा एलएच रूल लगाया तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन e की पावर x। अब क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं, 2 अपॉन इंफिनिटी विच इज नथिंग बट 0। क्लियर है यहां तक? अभी रुकना नहीं, देखो कंक्लूड करते जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इस x की पावर को बढ़ाया, लेट से मैंने x की पावर लिखा 4 लिख दिया चलो, अपॉन e की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा? अब मैं डायरेक्टली ज्यादा एकदम फास्ट लिखने वाला हूं। मैंने बोला जब पहली बार एलएच रूल लगाएंगे तो 4x क्यूब आएगा अपॉन e की पावर x, फिर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 4 * 3 * x स्क्वायर डिवाइड बाय e की पावर x, फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनी, फिर डिफरेंशिएट किया 4 * 3 * 2 * x अपॉन e की पावर x, फिर डिफरेंशिएट किया 4 * 3 * 2 * 1 अपॉन e की पावर x। अब इंडिटरमिनेंसी फॉर्म गायब हो गई, नाउ दिस इज व्हाट, x टेंड्स टू इंफिनिटी बट दिस इज 0। तो कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं हम कि x की पावर कुछ भी हो, ऑफ कोर्स इट शुड बी अ रियल नंबर। अगर ऐसा लिखा तो इसको जनरलाइज कैसे लिखूंगा मैं, नोट करके देखो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ऑफ कोर्स इंफिनिटी की बात हो रही है, दैट हैव टू बी कीप इन माइंड, x की पावर n अपॉन e की पावर x, दिस इज 0, n इज एनी रियल नंबर। जैसे तुमने 100,000 ले लिया x को, n को, जैसे मैंने बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, x की पावर चलो इतना बड़ा ले लिया अपॉन e की पावर x, तुरंत लिखना है 0, n कुछ भी हो, क्या करोगे इसमें इंडिफरेंशिएशन लगाओगे, जितने भी ये बार दिया, जैसे x की पावर 4 में कितनी बार किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में आंसर आया पावर x बार 4 थी, तो इसमें क्या करोगे, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000, तो 1,000,000 बार इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे, 1,000,000 बार लगाओगे, लास्ट में क्या बनेगा, उधर बनेगा 1,000,000 फैक्टोरियल अपॉन e की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, 1,000,000 फैक्टोरियल भी एक फाइनाइट नंबर है, अपॉन e की पावर x, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, देन अगेन 0। क्लियर हुआ? तो x की पावर कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, e की पावर x के रिस्पेक्ट में वो डोमिनेटिंग नहीं है। मतलब इससे कंक्लूजन बता रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने कि देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला, दो चीजें हैं, क्या है कि एक तो हमने ये चीज देख ली, अब मैं देखो इससे क्या कंक्लूजन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इंफिनिटी पे हमारा e की पावर x इज मोर डोमिनेटिंग देन x की पावर n, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर मोर डोमिनेटिंग, ऑफ कोर्स अभी बताऊंगा बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, बट टाइम बीइंग मैं e की बात कर रहा हूं। मैंने बोला इंफिनिटी पे अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो हमने इसका आंसर देखा 0 आया, इसका आंसर 0 आया, इस और फिर हमने जनरलाइज देखा इसका आंसर 0 है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या कर रहा है, 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज डोमिनेटिंग इंफिनिटी पे, तो इसका मतलब देखना मैं नेक्स्ट नोट में कंक्लूजन क्या लिख रहा हूं, एक तो ये लिखा ही मैंने बोला अगर ऐसा दिया है x की पावर n प्लस e की पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, देखना ध्यान से डोमिनेटिंग के कंसेप्ट से, दिस विल बी इक्वल्स टू e की पावर x ओनली, मतलब लिमिट तो लगाना ही पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे e की पावर x, मतलब x की पावर n इसके टाइम इसके साथ इसके सामने बच्चा टाइप का है, बहुत छोटी चीज है e की पावर x, इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं तब, अगर ये कोई फाइनाइट नंबर होता फिर तो दोनों कंपेरेबल होते, देन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट x की पावर n, बट सिंस x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी दिस इज डोमिनेटिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा, तो इन दोनों का एडिशन आई कैन अप्रोक्सीमेटली टू e की पावर x। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप समझ में आया होगा, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसके ऊपर कुछ हम पहले कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम थोड़े बल्कि एग्जाम्पल देंगे, ठीक है? देखना मैं इसको रब करने जा रहा हूं। हाँ, तो मैंने क्या बोला, x की पावर n और e की पावर x में क्या डोमिनेटिंग है, e की पावर x, तो जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा x की पावर 509 0 0
प्लस e की पावर x, और इधर लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x. ऑफ कोर्स दिस इज इंफिनिटी, वो बात की बात है. अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि ये डोमिनेटिंग है, पहले x की पावर कितनी भी बड़ी लिखी हो, ठीक है, समझ में आ रहा है. अच्छा, अब मैंने लिखा, देखना, x की पावर 5000, चलो 5000 प्लस e की पावर x प्लस 3 की पावर, चलो मैंने ये लिखा 4 की पावर x, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट. अब देखेंगे बेस, देखो इन दोनों में तो ये डोमिनेटिंग है तो ये तो खत्म, अब इन दोनों में आएगा. अब किसका बेस बड़ा है, 4 बड़ा है ना, इसे e तो 2.7 समथिंग होता है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 की पावर x. ये कब हो रहा है, ऑल दिस इज हैपनिंग व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, All this is happening when x is approaching in towards infinity. Infinity पे base बड़ा है तो वो dominating है. अच्छा, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा change कर देता हूँ. अब देखना, मैंने लिखा limit, ये लिखते जाना, सभी important है, सारे examples जो मैं लिख रहा हूँ, हर से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा. मैंने कहा limit x tends to infinity, मैंने लिखा let's say x की power 50 plus 0.5 की power x. अब बताओ क्या होगा, although this is exponential but इधर बेस वन से छोटा है ना, तो ये तो अपने आप में ही जीरो जा रहा है इंफिनिटी पे. x tends to infinity मैंने बताया था फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, ये तो जीरो को जा रहा है, तो इसके सामने now this is limit x is approaching towards infinity x की पावर 50. आई होप समझ में आया होगा, मतलब कहने का मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या बोल सकता हूं. देखो इससे क्या सीखने मिला हमें, देखना ध्यान से, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, a की पावर x प्लस, मतलब ऐसे लिख लो, चलो पहले मैं इसको रब कर रहा हूं इधर, तुम लोग लिखो. मैंने बोला a की पावर x जो है वो बहुत 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 बड़ी है x की पावर n से फॉर x अप्रोचिंग इंफिनिटी वेयर माय a इज ग्रेटर देन 1, दिस इज द नोट. समझ में आया क्या बोला, a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की पावर n से बड़े होंगे, भले n कुछ भी ले लो, भले तुम बेस बेस मैंने चलो इतना भी लिया, जैसे मैंने लिखा, देखना सुनना एक और चीज, जैसे मैंने लिखा x की पावर ये लिख दिया, बढ़ाते गया जीरो जीरो इतना लिख दिया, दो तीन लाख लिख दिया जीरो. फिर मैंने बोला प्लस 1.0000001 इतना लगा दिया, चलो ये और बढ़ा देते, मैंने कहा एक दो लाख बार जीरो लिख दिया और फिर आखिरी वन लिखा दिया पावर x. लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, व्हाट इज व्हाट आई कैन अप्रोक्सीमेट नाउ, अगेन दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज एल्जेब्रिक. तो मैंने क्या बोला है, अगर बेस बड़ा है वन से, भले कितना भी बड़ा हो, 0.0000001 है तो ये फाइनाइट ही ना, ये डिजिट्स तो फाइनाइट ही है ना, है तो वन से बड़ा, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1.00000 जो भी जितने भी जीरो थे वन, इसकी पावर x इंफिनिटी पर. समझ में आया हो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर बेस वन से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डोमिनेटिंग देन एक्स की पावर एन, भले एन तुम कुछ भी ले लो, बेस बस जस्ट वन से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. ऐसा लिख लो एक, मैंने लिखा एक्स की पावर 2 प्लस 0. एक और एग्जांपल, चलो इसी के आधार पे 9999 इंफिनिटी बार लिख दिया, इसकी पावर इंफिनिटी. अब देख, अब बताओ क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे, नाउ दिस बेस इज वन से छोटा, भले थोड़ा सा ही छोटा है, दिस विल बी जीरो, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब क्लियर हो गई पिक्चर, दैट डिपेंड्स ऑन बेस, अगर बेस वन से बड़ा है तो बेस वाला डोमिनेटिंग, अगर बेस वन से छोटा है तो एक्सपोनेंशियल अपना एक्स की पावर एन वाला डोमिनेटिंग हो गया, ठीक है ना. ऑफकोर्स एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी इंटीजर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर, क्लियर है. चलो अब मैंने बोला नेक्स्ट चीज, ये हो गया हमारा a की पावर x, x की पावर n से रिलेटेड, इसी टाइप का होगा हमारा लॉग के ऊपर, तो वो लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेंगे, ठीक है. अब देखना, मैंने लिखा जैसे मैंने बोला जैसे x के लिए जो a की पावर x था उसी प्रकार ln x के लिए x है, कैसे ये e की पावर x कैसे आता है, e की पावर में इसको लिखता हूं तो मेरे को ये आता है, मैंने बोला इसको मैंने e की पावर में लिखा तो ये आया, सिमिलरली इसको मैंने e की पावर में लिखूंगा तो मेरा ये आएगा, रख के देख लो e की पावर ln x क्या होता है, x था, तो इसका मतलब क्या कंक्लूड निकला, x और e की पावर x दिए होते तो डोमिनेटिंग कौन होता था, एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर, e बात चल रही है अभी e, तो इसका मतलब
ln x प्लस x में कौन डोमिनेटिंग होगा, ऑफ कोर्स इंफिनिटी की बात चल रही है, ये लिखना है, कौन डोमिनेटिंग होगा, ln x की x, x विल बी डोमिनेटिंग। देखो इधर उधर e की पावर x था, ये चीज थी ना RHS साइड, तो इधर क्या होगी, ये वाली होगी, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। समझ में आया? और नहीं तो एल हॉस्पिटल से कर लो, एल हॉस्पिटल से क्या, मैंने जैसे एक एग्जांपल भी लिया था अभी तुम लोगों को, जस्ट स्टार्ट किया था, तो ln x upon x लिया था, याद है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी पे क्या किया था हमने, LH रूल से इसको 1 बाय x, और ये हो गया था 1, तो ये कितना हो गया 0, बट इतना एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बोलूंगा, इन्फिनिटी पे कौन डोमिनेटिंग है, x डोमिनेटिंग है ना, तो दिस विल बी 0 डायरेक्टली। समझ में आया? जैसे मैंने लिखा x की पावर 2 प्लस ln x की पावर कुछ भी लिख दो 100,000 कुछ भी, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर ओनली। अगेन इन्फिनिटी बात चले, वो बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, तुम लोग लिखना है। समझ में आया कहने का मतलब क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, अब मैंने मिक्स ले लिया, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने लिया x की पावर लेट से 1000 प्लस ln x की पावर और ज्यादा ले लिया, प्लस इधर लिखा 1.1 की पावर x, अब क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी पे, ऑफ कोर्स ये एक्सपोनेंशियल इज मोर डोमिनेटिंग, तो ये सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.1 की पावर x, ठीक है ना? समझ में, अभी इनका एप्लीकेशन हम एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है ना? अभी तक तो मैंने बस समझाया है तुम्हें, ऑफ कोर्स x टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये भी इनफिनिटी होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बट ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वो क्वेश्चन कैसा आएगा वो तो हम अभी देखने वाले हैं। समझ में आया ना? अच्छा चलो एक और एग्जांपल जैसे इसका ही देख लेते हैं। अभी मैंने बोला अभी ln x की बात चल रही है, ठीक है, तो एक और ले लेता हूं, अब मैं इसकी ना एक नेगेटिव ले रहा हूं, x की पावर देखो मैंने लिखा -2 प्लस ln x की पावर कुछ भी ले लो 5, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, तो क्या होगा? अब बोल ऐसे नहीं समझना कि ये x x की पावर है और ये ln है, तो ये अपना एल्जेब्रिक डोमिनेटिंग होता है, नहीं, पावर भी तो देखो, पावर इधर नेगेटिव दिया है, तो बेसिकली ये तो अपने आप में जीरो जा रहा है 1 upon x square x tends to infinity पे, और ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ln x की पावर 5। तो कहने का मतलब x की पावर में भी देखना है नेगेटिव है पॉजिटिव नंबर है, जैसे हम बेस में देखते हैं ना 1 से बड़ा है या छोटा है, उसी प्रकार x की पावर भी देखना है हमें, ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोल दिया कि x की पावर n इज ऑलवेज डोमिनेटिंग कंपेयर टू ln x, प्रोवाइडेड x की पावर जो n है ना, n शुड बी पॉजिटिव नंबर। क्लियर हुआ बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आई होप समझ में आया होगा। अब तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिख रहा हूं, देखो मैं फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूं, सबसे बड़ा तो हमारा a की पावर x होता है, मतलब a की पावर x लिख लो जनरलाइज, a की पावर x ये काफी बड़ा होता है, बीच में आएगा हमारा x, फिर ये काफी बड़ा होगा ln x, ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये कंक्लूजन लिख लो, सबसे डोमिनेटिंग एक्सपोनेंशियल फिर x, ऑफकोर्स बेस 1 से बड़ा है तभी ये डोमिनेटिंग है, नहीं तो उल्टा हो जाएगी, उल्टी चीज हो जाएगी, ठीक है ना? अगर a बड़ा नहीं होगा तो a सबसे छोटा हो, ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा अगर बेस 1 से छोटा हो गया, क्योंकि ये तो जीरो को जाएगा x टेंड्स टू इनफिनिटी, और ये भी लिख लो, ये सब बात कहां हो रही है, ये सब बात हो रही है when x is approaching towards infinity। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? चलो तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और देखते हैं, चलो एक छोटा सा और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बोला 2 की पावर 2x प्लस ई की पावर x प्लस x की पावर 500 चलो 5000 प्लस ln x की पावर 1 लाख, तो क्या होगा ये? ऑफ कोर्स लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी पे, किसके अप्रोक्सीमेट होगा ये बताओ? तो देखो डोमिनेटिंग तो मतलब वो इन्फिनिटी पे एक्सपोनेंशियल वाला होता है, बेस अगर 1 से बड़ा हो, तो ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब आता है इन दोनों में जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं बच्चे लोग जल्दी जल्दी में, विच इज रॉन्ग, e की पावर x की e बड़ा है 2 से, बट दिस इज रॉन्ग, फिर बोलेगा सर 2 कैसे बड़ा हो गया, ये 2 की पावर x थोड़ी लिखा है, ये 2 की पावर x लिखा है, दिस इज 4 की पावर x प्लस e की पावर x, अब बताओ क्या होगा 4 की पावर x ना, तो बच्चे लोग इसमें तो ध्यान रखना समथिंग की पावर x, वो समथिंग जिसका बेस बड़ा है वो डोमिनेटिंग, सो डोंट रीड इट लाइक 2 की पावर x, दिस इज 2 की पावर 2x व्हिच मींस 4 की पावर x, समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जिसमें हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे डोमिनेटिंग वाला, ठीक है ना? चलो तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक द क्वेश्चन इज लिमिट
x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ln x की पावर 20 प्लस x की पावर 50 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 3 प्लस 3 की पावर x अपॉन पाई की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 4 की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर 5000 जो भी है, ठीक है। हाँ, तो अब हमें इसी कंसेप्ट से यूज करना है, तो देखते कौन डोमिनेटिंग है इंफिनिटी पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेटिंग होता है न्यूमरेटर की, पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो चुटकियों में सॉल्व होगा, देखना ये कंसेप्ट पता है तो कॉम्प्लीट कितना लग रहा है क्वेश्चन, बट अगर ये लॉजिक पता है जो आज की लेक्चर में हम पढ़े, चुटकियों में आंसर होगा विद इन मतलब 20 सेकंड्स यू कैन गिव द आंसर इजीली। ये खत्म, ये खत्म, इन दोनों में देखा। अब जल्दी जल्दी में 3 की पावर x नहीं बोलना है, ये बेसिकली 4 की पावर x लिखा है। दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 4 की पावर x 2 की पावर 2x, तो बेस तो इधर 4 की पावर x है ना, तो ये भी नेग्लेक्ट। तो ऊपर तो बचा 8 इंटू 4 की पावर x, अब नीचे देखते हैं पाई की पावर x e की पावर x, तो ये खत्म इसके कंपैरिजन में। अच्छा ये तो एलजेब्रा के वैसे ही खत्म, ये पाई है ये 4 है विच इज जो कौन बड़ा है 4, तो ये भी खत्म। तो वी आर लेफ्ट आउट विद 4 की पावर x और डिवाइड बाय 4, तो ऊपर 4 चला गया, तो ये कैंसिल, लेफ्ट आउट विद 32। सो आंसर इज 32x सेंस विद इंफिनिटी पे। समझ में आया कितना फास्ट हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। और देखते हैं, मैंने लिखा 4 की पावर 3 log x टू द बेस 2 प्लस x की पावर 7 प्लस ln x की पावर 13 अपॉन x क्यूब प्लस 5 इंटू x की पावर 7 प्लस 7 इन की पावर 3 माइनस x। हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है ना, हर एक टर्म देखना कंफ्यूजिंग दिया होगा इसमें भी, पहले तुम वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, कुछ बच्चे देखना गलत करेंगे, बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक होगा और मुझे पता है कि क्या मिस्टेक करने वाले हैं, उसी मकसद से दिया है ये क्वेश्चन। चलो तो पहले ln और x के रिस्पेक्ट में ये खत्म, अब आते हैं इस पे, ये क्या है बेसिकली, इसके लिए थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। देखो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग सेपरेट स्टेप लिखना, दिस इज 2 स्क्वायर, तो 2 इधर 2 स्क्वायर आएगा, तो 2 इंटू 3 6 और वो 6 इसके बाहर पहुंच जाएगा, तो बेसिकली ये क्या लिखा था x की पावर 6, और x की पावर 6 है और x की पावर 7 है, इंफिनिटी पे कौन डोमिनेटिंग होता है, ऑफ कोर्स x की पावर 7, तो ये खत्म। तो न्यूमरेटर तो बचा x की पावर 7, अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो x क्यूब और इसमें ये खत्म, अब ये एक्सपोनेंशियल है बट बेस 1 से छोटा है ना, तो ये खत्म इसके रिस्पेक्ट में। अब आते हैं इन दोनों पे, इन दोनों पे अब कोई बोलेगा कि सर इधर बेस 7 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस 1 से बड़ा है, तो ये डोमिनेटिंग हो गया और तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ध्यान देखो पावर भी तो देखो, तो बेसिकली ये क्या लिखा है 7 की पावर 3 माइनस x, क्या लिखा है बेसिकली 7 की पावर 3 जो भी है 7 क्यूब अपॉन 7 की पावर x, तो बेसिकली दिस इज 7 क्यूब इंटू 1 बाय 7 की पावर x ना, तो बेस 1 से बड़ा थोड़ी, एक्चुअली बेस 1 से छोटा है, 1 बाय 7 है, वो पावर माइनस लिखा हुआ है, क्लियर है। सो दिस इज, ये तो जीरो हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में कुछ लगता ही नहीं है, ये तो खत्म। सो इधर क्या आएगा 5 x की पावर 7, तो दिस इज 1 बाय 5, क्लियर हुआ बच्चों। तो हमें हर चीज देखिए, पहले एक्सपोनेंशियल में देख रहे हो तो यू शुड सी कि बेस 1 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है ना, और अगर x बेस और प्लस पावर भी देखना है, ठीक है ना, कुल मिला के मतलब a की पावर समथिंग होना चाहिए तुम्हारा, a की पावर x, अब x के साथ कुछ भी लिखो, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1, और ये अगर 1 से बड़ा है तो डोमिनेटिंग है, नहीं है तो छोटा हो जाएगा, क्लियर है। x का कोएफिशिएंट शुड बी 1, जैसे मैंने x की पावर n में बोला, ठीक है ना, ln x, और जैसे मैंने बोला ना x की पावर कुछ भी हो प्लस ln x हो, डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे दिस इज ln, दिस इज x की पावर कुछ भी, ये रॉन्ग हो जाएगा, वो डिपेंड करता है ना कुछ भी क्या है, अगर मान लो वो कुछ भी नेगेटिव हो गया, फॉर एग्जांपल माइनस 2 ले लिया, तो मेरा आंसर शुड बी ln x ना, अगर मान लो मैंने इधर माइनस 2 ले लिया जो भी हमने किया था ना थोड़ी देर पहले, तो दिस इज नॉट x की पावर माइनस, दिस इज ln x, ये अगर x की पावर 2 होता, चलो दोनों एक साथ लिख लो याद रहेगा फिर एक जगह, दिस इज x स्क्वायर, अगेन बोथ आर वी आर टॉकिंग एट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब हम कुछ नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है, नया टॉपिक मतलब एप्लीकेशन ऑफ एलएच रूल ही है, फिर एक काम करो पहले एलएच रूल के ऊपर नोट लिख लो, फर्स्ट राइट डाउन द नोट ऑन एलएच रूल, उसके बाद फिर हम एक और फॉर्म है हमारा जो मैंने स्टैंडर्ड 7 फॉर्म बोले थे, उसमें अभी हमारा एक का डिस्कशन बिल्कुल नहीं हुआ है, और आई होप तुम समझ गए कौन सा है, 0 रेस टू 0 और इन्फिनिटी रेस टू 0,
वो इसलिए नहीं बताया बिकॉज उसके अंदर एलएच रूल का यूज होता है, ठीक है ना। तो पहले हम मैंने क्या बोला, एलएच रूल का नोट क्या क्या है, तो मैं बोल देता हूं ओरली, तुम लोग लिखो। फर्स्ट नोट इज एलएच रूल कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द फॉर्म ओनली फॉर द फॉर्म 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, पहला नोट, ठीक है। दूसरा नोट कि हम कोई भी क्वेश्चन में वी कैन अप्लाई मल्टीपल अप्रोचेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी सीक्वेंस, मतलब हमने बीच में बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन लगा दिया, फिर बीच में हमारा मन किया एल हॉस्पिटल लगा दिया, फिर बीच में मन किया हमने वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स लगा दी या फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम एक ही क्वेश्चन के अंदर वी कैन अप्लाई मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल मेथड्स इन एनी सीक्वेंस, ये लिख लो। ऐसा नहीं कि एक बार एलएच रूल से स्टार्ट किया तो वी हैव टू फिनिश टिल एंड टिल यूजिंग एलएच रूल, नहीं ऐसा नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने मल्टीपल टाइम्स एलएच रूल लगाया, ठीक है, ये तो मैं नोट डाउन करना, मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर हमने मल्टीपल टाइम एलएच रूल लगाया तो हर एक बार हम वेरीफाई करेंगे कि वो 0/0 और इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म है या नहीं, अगर बन रहा है तभी हम दोबारा एलएच रूल लगाएंगे। तो इफ मल्टीपल टाइम्स एलएच रूल इज अप्लाइड देन वेरीफाई दैट इट इज 0/0 और इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बिफोर अप्लाइंग इट, ठीक है ना, हर बार। और तीसरी चौथी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट एक एग्जांपल भी लिया था e^-x^2 का, क्या बोला मैंने, क्या बोला था कि अगर हमारा क्वेश्चन जैसे 0/0 फॉर्म दिया हमने एलएच रूल लगाया और अगर सॉल्व नहीं हुआ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और ज्यादा, तो एक बार हम ट्राई करेंगे उल्टा करके फॉर्म को इनवर्स करके चेंज करके, मतलब इन्फिनिटी 0/0 को हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को 0/0 में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोबारा एलएच रूल लगाएंगे। तो दीज फोर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है ना। जिस फ्लो में मैंने बोला उसी लैंग्वेज में, वो अपने लैंग्वेज में जैसे भी तुम्हें लिखना है, इंग्लिश हिंदी मराठी कोई भी लैंग्वेज यूज करो, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो तो पहले इसको कॉपी कर लो। अब सुनना, अब हमारा क्या है 0/0 फॉर्म एंड इंफिनिटी बाय जीरो फॉर्म लिख लो, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं है क्या, जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं और सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a पे इफ fx जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 और इंफिनिटी किसी भी एक को, एंड माय gx इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो मेरा जो fx रेज टू पावर gx है ये क्या फॉर्म हो जाएगा, मेरा ये क्या फॉर्म हो जाएगा, अगर fx 0 को कर रहा है, gx तो 0 को कर ही रहा है, तो 0 रेज टू 0, और क्या हो जाएगा fx अगर इंफिनिटी को कर रहा है तो इंफिनिटी, और gx 0 को कर ही रहा है, तो ये दोनों फॉर्म कवर हो जाएंगे हमारे। करेंगे कैसे, अब हमारा क्या कंसेप्ट आएगा, जैसे मैंने बोला वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर, देखना ध्यान से, gx into ln fx, मतलब बेसिकली ये gx इसकी पावर में रहता है, इसको आगे ले आया एक स्टेप में लिख दिया, आप सुनना। और मेरा क्या लिमिट x टेंड्स टू a, ऐसा सिनेरियो है, मतलब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली ये दिया है लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a fx की पावर gx, पहला ये है, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और वहां जो कि मेरा जो जी एफ एक्स है वो जीरो या इन्फिनिटी किसी को भी जाए दोनों में काम करेगा, और जी एक्स मेरा जीरो को जाना चाहिए एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, जो पावर है। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं उसको, अब देखो एट प्रेजेंट अगर मैंने देखा कौन सा फॉर्म है, तो जी एक्स जीरो को जा रहा है, दिस इज जीरो एंड एल एन एफ एक्स, और एफ एक्स चाहे जीरो को जाए तो एल एन एफ एक्स का जाएगा इन्फिनिटी, अगर एफ एक्स इन्फिनिटी को जाए तो एल एन एफ एक्स का जाएगा इन्फिनिटी को, एक मिनट सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मैंने बोला अगर एफ एक्स मेरा, देखो जी एक्स तो जीरो को जा ही रहा है, एफ एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो एल एन जीरो कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, अगर एफ एक्स इन्फिनिटी को है तो एल एन एफ एक्स कहां जाएगा, इन्फिनिटी को। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ऊपर ई की पावर में जो लिखा हुआ है दैट फॉर्म इज जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, बट अभी मैंने क्या बोला था, हम इसमें एल एच रूल लगाना चाहते हैं, तो एल एच रूल लगाने के लिए क्या करें, दो चीजें, या तो मैं जी एक्स को इसके नीचे लेके जाऊं या एल एन एफ एक्स को उल्टा करके लिख दू, नीचे लिख दू। तो देखो क्या किया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया e की पावर में, देखना ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एल एन एफ एक्स अपॉन 1/gx, और अगेन e जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो लिमिट तो अंदर लेके सकता हूं मैं, e की पावर लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, अब देखो कौन सा फॉर्म बना, e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स हुए एल एन एफ एक्स, तो एल एन एफ एक्स अभी हमने देखा कहां जा रहा है, ये या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को, तो प्लस माइनस इंफिनिटी को जा रहा है ये, और डिनोमिनेटर जीएक्स अगर जीरो को जाएगा तो 1/gx कहां जाएगा,
इन्फिनिटी को. नाउ दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में अब क्या करें, अब एल एच रूल लगा दो. तो अब लिख लो, नाउ अप्लाई एल एच रूल, नाउ अप्लाई एल एच रूल. क्लियर हुआ बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना. चलो तो इसके ऊपर अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हमारा, ठीक है. डाउट नहीं होना चाहिए. क्या किया एक बार और, वेरिएबल के पावर वेरिएबल था, जो बेस था वो जीरो की तरफ जाएगा या इन्फिनिटी की तरफ, बट पावर जरूर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है ना. तो मैंने बोला उस एफ एक्स की पावर जी एस को क्या लिखा हमने, ई के टर्म्स में ई की पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स. फिर अभी ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म थी, तो इसको मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाने के लिए क्या किया, इस जी एक्स को इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया वन बाय जी एक्स. अब मेरा ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया. अब बन गया तो हम क्या करेंगे, एल एच रूल लगा देंगे, क्योंकि एल एच रूल तो जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लगता है, ठीक है ना बच्चों. तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो. अब देखना मैं स्टार्ट कर रहा हूं. मैंने बोला सबसे पहला और वो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसको याद रखेंगे, पहला एग्जांपल भी समझ लो इसको और एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट. मैंने बोला लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, जीरो बाय जीरो, ऑफकोर्स जीरो प्लस होगा क्योंकि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव इफ पावर इज वेरिएबल, ठीक है ना. वो छोड़ो जाने दो, बेस पॉजिटिव मान के करते हैं, ठीक है. तो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, एक्स की पावर एक्स, ठीक है. हाँ तो जी ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला फॉर्म हो गया. तो क्या करें हम इसको, अभी प्रोसीजर से क्या किया था हमने, ई की पावर एक्स एल एन एक्स. फिर मेरा ये कहां जाएगा, अब मैं एक्स को नीचे लिख दूंगा इसके, ई की पावर एल एन एक्स अपॉन वन बाय एक्स. फर्दर अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, एल एन जीरो इज इन्फिनिटी, वन बाय एक्स इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एल एच रूल लगा देते हैं. तो ई की पावर में पहले तो मैंने ऐसे लिखा लिमिट, ये ऑफकोर्स लिमिट ऐसा लिख लेना, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो. अब डिफरेंशिएट किया एल एन एक्स को वन बाय एक्स और वन बाय एक्स को माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया ई की पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, ये ऊपर एक्स चला गया विद नेगेटिव, तो माइनस एक्स. और अब क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं है. एक्स जीरो को प्लस को जाएगा तो ये ई की पावर जीरो कहां जाएगा, वन को. सो आंसर इज वन. सो दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी विल यूज दिस एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जीरो प्लस पे एक्स की पावर एक्स इज वन. वेरी मेमोराइज दिस लाइक ए स्टैंडर्ड, ठीक है ना. थोड़ा हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा, क्लियर. जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस या फिर जीरो साइन एक्स बाय की पावर साइन एक्स. तो हमें ऐसा होना चाहिए, देखो मतलब ऐसे इसको भी ऐसे फॉर्म में लिखो, समथिंग रेज टू पावर समथिंग, वेयर समथिंग इज स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो. तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली वन. अब मुझे साइन ऑफ एक्स लिखा है, ये क्या लिखा है, ये भी जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा, और जो दोनों टर्म है वो सेम लिखे हुए हैं ना, हेंस आई विल से दिस इज वन. क्लियर है. जैसे मैंने और लिखा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई माइनस. अब देखना माइनस क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन बताऊंगा मैं. साइन एक्स की पावर एक्स साइन एक्स. अब क्या होगा आंसर, अगेन अगर एक्स पाई माइनस होगा, मतलब पाई को हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हाँ इस साइड से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो अगेन दिस इज जीरो बाय जीरो की पावर जीरो, मतलब समथिंग रेज टू पावर समथिंग एंड समथिंग इज सेम, देन अगेन द आंसर इज वन. अब सुनना, इधर मैंने पाई माइनस लिया, अगर पाई प्लस लेता हूं तो दिक्कत क्या होगी, तुम सोचो पहले वीडियो पॉज करके. मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, व्हाट यू विल से, दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, अनडिफाइंड. द रीजन इज पाई प्लस पे ये बेस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ना. साइन एक्स क्या होता है, पाई तक तो जीरो होता है, पाई से थोड़ा सा अगर बड़ा करूंगा मैं आर्ग्यूमेंट तो क्या होगा हमारा, साइन इज नेगेटिव ना, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए दिस इज अनडिफाइंड. समझ में आया होगा, ठीक है. तो पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट चीज पे मूव कर रहा हूं. तो साइन एक्स हो गया हमारा, और इलस्ट्रेशन देखते हैं छोटे छोटे ही पहले. आज बहुत अभी एक देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैंने उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन तो मैं पहले लिया है लेक्चर्स में, ठीक है ना, और आज हम उसको प्रॉपरली समझेंगे. देखो क्या है, पहले तो एक और छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं. मैंने लिखा एक्स की पावर साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो. क्या मैं इसको वन लिख दूं डायरेक्टली, नहीं, ठीक है. इसका आंसर भले वन होगा बट डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले से तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि उधर तो क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें बेस भी जीरो को जा रहा है और पावर भी जीरो को जा रहा है, बट क्या वो समथिंग सेम है, नहीं समथिंग सेम नहीं है. तो समथिंग सेम होगा तभी तो हम लगाएंगे, तो नहीं है तो हम बना लेते हैं सेम. किसकी कमी है, ऊपर एक्स की कमी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूं इसको. फिर मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक्स की पावर एक्स इसकी होल पावर साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो. अब देखते हैं क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या. तो एक्स टेंड्स टू जीरो पे ये जो है
जो ब्रैकेट में लिखा है वो कहां जाएगा, वन को जाएगा, और ये भी वन को जाएगा, तो दिस इज वन अप्रोचिंग की पावर वन अप्रोचिंग. क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं, दिस इज वन ओनली. समझा? देखो इससे आंसर आ रहा था ये डायरेक्टली, बट दैट इज रॉन्ग. इस केस में लकीली सेम आ रहा है, बट जरूरी नहीं ना सेम आए. हमें क्या है? सेम कब आ रहा है, कब आएगा, मतलब करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा, वो जो समथिंग है दैट शुड बी सेम. ठीक है ना, समथिंग रेज टू पावर समथिंग एंड दैट समथिंग इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, देन आई विल से माय आंसर इज वन. समझ में आया बच्चों? अच्छा अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा. मैंने लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स. इसको समझते हैं हम थोड़ा, इस पर थोड़ा स्ट्रेस भी दूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ही अच्छी चीज है. देखना ध्यान से, मैंने लिखा क्या करें इसको. तो जैसे पहली बात, इसको समझने के लिए पहले मैं एक चीज ले रहा हूं, देखना इधर. मैंने लिखा x की पावर m की पावर n. क्या लिखा है? इट इज समथिंग लाइक x की पावर 2 की पावर 3 विच इज नथिंग बट x की पावर 8. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 2 इंटू 3? सही ना, ये तो x की पावर 6 हो गया. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये चीज अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू x की पावर m इसकी पावर n. अब गलत लिखा है, बिकॉज ये चीज तो किसके बराबर होती है, x की पावर m इंटू n ना. देखो ध्यान से डिफरेंस है दोनों में, x की पावर m की पावर n को हम ये नहीं लिख सकते, ये ब्रैकेट हमने यहां लगाया है ना, ये गलत है. इसका मतलब तो क्या, m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो करेक्ट वे क्या होता है इसको लिखने का, दिस इज समथिंग ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर m की पावर n, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू x की पावर और ऊपर पावर लगा दो m की पावर n, दिस इज द करेक्ट वे. देखो क्या फाइनली कंक्लूजन क्या है, देखो तो ध्यान से सुनना, ये चीज बराबर है और ये तीनों चीज बराबर है, इतना याद रखो, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है. क्लियर है? समझ में आया? जैसे मैंने लिखा ये चीज ऊपर लिखी थी, जैसे x की पावर 2 की पावर 3, ठीक है ना, और एक इसको मैंने क्या बोला, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर की पावर 3, विदाउट दिस लिख रहा हूं, इसी के हिसाब से डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 और दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 की पावर 3 एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स की पावर 2 की पावर 3. देखो ये चीज लिखी है, बेसिकली ये हमारा किसके बराबर है, ये तीनों जो चीजें बराबर है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, वो तो एक्स की पावर 6 लिखा था. समझ में आया? ठीक है ना, तो इसको नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आ रहा हूं इस पे, क्वेश्चन कैसे बनेगा लिमिट पे. ठीक है, नहीं आया तो क्या करो, दोबारा रिमाइंड करके दोबारा सुनो इसको, जो मैंने ये वाला पार्ट बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ठीक है ना, बच्चों को जनरली होता है इसमें, पता नहीं क्यों होना नहीं चाहिए, हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है बट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आते हैं इसके इस वाले पार्ट पे. उसने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x की पावर x. तो देखो जो पहले गलत करते बच्चे लोग वो बता रहा हूं मैं, इसको क्या लिखते हैं वो, x की पावर x और इसकी पावर x, विच इज ऑफकोर्स नॉट. अगर ये होता तो इसको फिर इसको क्या लिखते वो, x की पावर x 1 को जा रहा है, 1 रेज टू पावर 0 1 को जाएगा, तो आंसर इज 1 विच इज रॉन्ग, बड़ा रॉन्ग, इंपॉर्टेंट हो गए तो रॉन्ग. समझ में आया? ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, फिर लिखें तो कैसे लिखें, फिर अभी जो बताया मैंने, या तो ब्रैकेट तुम इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ, बीच में नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है. क्या बोला मैंने, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, इसको या तो ब्रैकेट ऐसे लगाओ या फिर कैसे लगाओ, एक्स की पावर में, ये तो मैंने दोनों लगा दिया, हालांकि एक लगाओ कोई भी, ये या फिर एक्स की पावर में एक्स की पावर एक्स, ऐसे लगाओ. इसको हम कर सकते हैं इजिली. तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूं, इस वाले को ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि अब मेरा x की पावर x आ गया इधर, उसका तो मुझे पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कहां जाता है, 1 को जाता है, और ये 0 है, 0 को जाएगा x टेंड्स टू 0 पे, तो 0 की पावर 1 को इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, नहीं, दिस इज 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 पे. तो देखो हमने उससे किया था तो गलत आ गया था, 1 आ गया था. तो क्या करूं, तो मैं इसको ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिख लो, क्या लिखोगे, देखो हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो तुम इसको लिख लेना, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, पहला स्टेप इज दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, पहला स्टेप इस क्वेश्चन में. ठीक है ना, ये इसके बराबर नहीं है. अब दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो. पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 x की पावर में, चलो एक काम करो ऐसे लिख लो, x की पावर x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 x की पावर x व्हिच इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी बताया ना, ये 1 को जा रहा है, 0 की पावर 1 इज 0. और दूसरा क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 x की पावर ऐसे लिखा है x,
ये क्या हो गया हमारा बेसिकली, ये दिस इज व्हाट, मतलब कहने का मतलब, चलो इसको और ऐसे लिख लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर की पावर ऐसे लिखो, और इसका मतलब बेस क्वेश्चन बना देते, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं। हाँ ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखो लकीली लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी फर्दर रिप्रेजेंट एज लाइक दिस वे, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स, फिर एक एक्स को इसके साथ लिख लिया, और इसका पता है दिस इज वन, x tends to 0 पे this is 1, this is 0, तो 1 raise to 0 क्या होगा, answer is 1, तो ये बहुत important है, बहुत ही ज्यादा, बहुत से अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको 1 लिख देंगे, इसको 0 लिख देंगे and vice versa, ठीक है, समझ में आया। तो चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं, या फिर मैं एक आध दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा तुमको, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करके इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तुमको, वैसे भी काफी देर हो गई हम लोगों को। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, चलो मैं क्वेश्चन इसी से ले लेता हूं। क्वेश्चन मेरा कहां है, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन, मेरे हाथ में है, ठीक है। हाँ सुनना, क्वेश्चन इज चलो एक पहले एक काम करो, तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक है, मैं एंड अप करता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करना इसको, कल डिस्कस करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, और नहीं तो तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, एक्स की पावर एक्स